मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज हम पुराणों के अंतर्गत गंगा की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नि पुराण के 110वें अध्याय के 6 श्लोकों में गंगा की महिमा बताई गई है, जो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अग्निदेव के अनुसार गंगा जल का सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन क्षेत्रों से गंगा होकर जाती है वे क्षेत्र उत्तम होते हैं। गति चाहने वाले जीवों के लिए गंगा गति स्वरूपा है। जो नित्य गंगा जल का सेवन करता है वह अपने दोनों वंशों को तार देता है। हजारों चंद्रायण व्रत रख लें या गंगा जल का प्रतिदिन सेवन कर लें, तो गंगा जल का सेवन करना चंद्रायण व्रत से अधिक उत्तम है। कोई व्यक्ति गंगा जल का सेवन एक मास तक नित्य करता है तो वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। गंगा सभी पापों को नाश करने वाली तथा स्वर्ग लोक प्रदान करने वाली होती है। मनुष्य की अस्थि जब तक गंगा में रहती है तब तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। गंगा जल का सेवन करने वाले लोग देवताओं के तुल्य हो जाते हैं। गंगा तीरथ से निकली हुई मिट्टी को धारण करने वाला मनुष्य सब पापों को नष्ट कर पाता है। गंगा का दर्शन स्पर्श जलपान तथा गंगा नाम का उच्चारण करने वाला मनुष्य सैकड़ों हजारों पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है। अगले सप्ताह हम किसी अन्य चर्चक के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।